ए, तूने मेरी पतंग क्यों काटी? मेरा दिल हुआ इसलिए काटी, चल निकल। ए, घूर क्या रहा है, चल निकल। तूने मुझे मारा ना, यही रुक, मैं अपने छोटे भाई को लेके आता हूँ। ए, ए भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की तूने? अगर तुझ में दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखा। हाँ मैंने मारा, क्या करेगा तू? ये करूँगा। मेरे भाई को मारा तूने? आज के बाद अगर लड़ाई झगड़े करते देखा तो जान ले लूंगा। इडियट। सॉरी कार्तिक। ठीक है, इस तरह मारने का क्या फायदा? आपका बड़ा बेटा बहुत इमोशनल है। तुम्हें आज क्या हो गया? मैंने अपने बड़े बेटे को नहीं छोटे को मारा, देखा कितना बेशरम है वो। इतनी मार खाने के बाद भी उफ तक नहीं किया उसने। रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ मैं। बोला खाएगा? ए, मुझे मार पड़ी, तू क्यों रो रहा है? तुझे मेरी वजह से जो मार पड़ी, दर्द हो रहा है? नहीं, मजा आ रहा है, चमड़े का बेल्ट था वो। अब रोना बंद कर और अपने आंसू पोंछ, चल खेलने चलते हैं। जिंदगी में कभी डरने का नहीं, क्योंकि डर के आगे जीतते हैं। शिवा, रॉकेट जला। अरे बेटा, इतना नहीं डरते। जलाता हूँ पापा। जब तक ये रॉकेट जलाएगा तब तक तो अगली दिवाली आ जाएगी। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत फिक्र होती है। छोटा वाला मेरी तरह हिम्मत वाला है, ये थोड़ा सीधा है, अपनी माँ की तरह बिल्कुल भोला है। पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। डरो मत। ड्यूटी से जैसे ही आए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए, उसके बाद उठे ही नहीं। मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत फिक्र होती है, वो अपनी माँ की तरह बहुत भोला है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। अगर कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर मरे तो उसकी नौकरी उसके बेटे को मिलती है। अब तो तू कर लेना। चाचा से पूछ, मुझे मिलती है तो मैं करने को तैयार हूँ। इसको नौकरी नहीं मिल सकती, इस पर तो चार चार केस हैं। चार केस कब लग गए? ये वो केस हैं जो तुम्हें बचाने की कोशिश में मुझ पर लग गए थे। तू चाहे जो भी कहे, मैं इन गुंडों, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। मैं और कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम बिना बात के ही डर जाते हो,
कम से कम पुलिस यूनिफॉर्म पहनोगे तो लोग तुमसे डरने लगेंगे। पापा पुलिस में थे, दादा पुलिस में थे, चेन ब्रेक कैसे कर सकते हैं? शिवा, तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती थी। अगर तुम ये पुलिस की नौकरी कर लो तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ज्यादा सोचो मत, हाँ कर दो। ओके 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 ओके, भैया ने हाँ कह दिया। अरे मुझे एक दिन सोचने का मौका तो दे। चाचा जी, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं शिफ्टिंग की तैयारी करता हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते सर, हमारे विलास शिंदे का बेटा उनकी पोस्ट लेने को तैयार है सर। हाँ सर, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसे वहाँ भेजने का बंदोबस्त करता हूँ सर। जी सर। मुझे मुजरिम पकड़ना पड़ेगा, मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं पकड़ा। इस शहर में दहशत का एक ही नाम है, बग्गा, समुंदर का बेताज बादशाह। यहाँ इसकी इतनी जल्दी है कि जब चाहे जिसे चाहे उठा लिया, मार दिया और काट कर फेंक दिया। कोई पुलिस वाला इससे नजरें तक नहीं मिला सकता। उसके बाद हीरो ने गुंडे को जोर से मारा, गुंडा जाके नीचे गिर गया। बले, 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 बले। इस कहानी से क्या सबक मिला? हर लड़ाई के अंत में जीत अच्छे लोगों की होती है। ये बच्चे को झूठ क्यों सिखा रहे हो सर? जीत हमेशा ताकतवर की होती है, अच्छे और बुरे से कोई मतलब नहीं होता। बताओ भोले भाले हिरन और शेर में जीत किसकी होगी? शेर की। शाबाश। नमस्कार साहब, हमारे इस इलाके में आपका स्वागत है। आपने पुकारा और हम चले आए। साहब को मछली दे। समंदर में रहने वाले को मछली देने का क्या मतलब है? साहब मछली हमेशा खारे पानी में ही होती है, फिर भी पकाते वक्त नमक डालते हैं, है ना? ये फंडा भी ऐसा ही है। अगर वही नमक मैं तुझे जख्म देने के बाद उस पर रगड़ूं तो तुझे कैसा लगेगा? अब तक तू जो करता आया है उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन अब अगर तूने कुछ भी गलत किया तो उल्टा लटका दूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ अगर तू इस समुंदर के पास भी भटका तो तेरी हालत इस मरी हुई मछली जैसी होगी, समझा ना? ठीक है सर, जब तक आप यहाँ पे हो मैं वही करूँगा जो आप चाहते हैं। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। सर ये मछली तो ले लो। ये साला मुझे समंदर से दूर करेगा। बग्गा को ये समुद्र मेरा है। ये समुद्र मेरा है। भगवान, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, मेरी पोतियों को बुरी नजर से बचाना। ये पूजा मेरी पोतियों के लिए होगी। आपके नाम की पूजा करनी है? मेरे क्यों पंडित जी, मैं अपनी लाइफ सॉलिड मैनेज कर सकता हूँ, मेरी बेटी के नाम कर दो। ठीक है। हेलो, ऊपर मैसेज दे दो मैं आया हूँ। भगवान, मैं चाहती हूँ मेरी दोनों पोतियों को खरे सोने जैसे लड़के मिले। सुना आंटी ने अभी घंटी बजा के क्या बोला? ये कहती है कि इनकी दोनों पोतियों को खरे सोने जैसे लड़के मिले। ज्यादा देर यहाँ खड़ी रही तो अपने लिए हीरे जैसा लड़का मांगेगी। अपनी लाइफ में ऐसा कोई फंडा नहीं है, अपनी तो एक ही बेटी है। दुआ करता हूँ कि उसे पूरे 24 कैरेट सोने जैसा लड़का मिले। अरे दिया जलाने में कितना समय लगा रहा है? बाहर भग, कब से इंतजार कर रहे हैं? माचिस नहीं मिल रही है गुरुजी। सामने आग खड़ी है और तुझे माचिस की पड़ी है? इधर ला। आप दोनों जरा पास आना। तुम अगर माचिस की डिब्बी हो तो मैं तीली हूँ, जलता भी हूँ और जलाता भी हूँ। चाहे तीली माचिस के डिब्बे को छुए या फिर माचिस का डिब्बा तीली को छुए, जलती तो तीली ही है। आपकी पोतियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, भाग गई क्या? आज कृष्णाष्टमी है ना, वो मिट्टी का घड़ा तोड़ने का खेल खेल रही हैं। तुम्हारी बेटी नहीं गई? ये पूछने की हिम्मत कैसे की? ये कोई IPL या T20 का गेम है क्या? हम बड़े शरीफ लोग हैं, हमारे खानदान की औरतें इस तरह उछल कूद करके अपनी नुमाइश नहीं करती हैं। अच्छा अच्छा, अकल का नहीं हूँ कच्चा। मेरी बेटी ऐसे काम नहीं करती, वो घर में पूजा पाठ कर रही होगी। पापा ये क्या है, ये क्या हाल बना रखा है? मैं मिट्टी का घड़ा तोड़ने गई थी और गिर गई। तो अभी यहाँ क्यों आई? तोड़ा तो तोड़ा, सीधा घर चली जाती, यहाँ आके मेरा पोपट करना जरूरी था क्या? घर जा, चल। गुस्सा मत करो, घड़े के अंदर एक अंगूठी है, उसी के लिए गई होगी। घड़े के अंदर अंगूठी?
चल मुरारी, अंगूठी होगी तेरी। फूलों की अंगूठी तुम्हें क्या लगा ही? शरीफ घर के लोग क्या इस तरह चीजें उठाते हैं? मैं तो पहले से ही जानता था कि घड़े में फूलों की अंगूठी होगी। इसे उठाने की मन्नत मांगी थी, इसलिए उठाने आ गया यहाँ। चल जा। हाँ जा रही हूँ, बुड्ढा हो गया फिर भी शर्म नहीं आती। तुमसे कौन शर्माएगा? घड़े में फूलों की अंगूठी डाल के सबको फूल और गधा बनाते हैं ये लोग। अरे कोई है, कोई मुझे हीरो की अंगूठी दे दे रे बाबा। आपकी बड़ी बेटी तो बहुत अकड़ू है दादी, पता नहीं किससे शादी करेगी। वो कोई मामूली लड़का नहीं होगा, बहुत ही हिम्मत वाला होगा। भगवान, आज ड्यूटी का पहला दिन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मुजरिमों को पकड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पकड़ ले। लोग मुझसे डर क्यों रहे? हटो, रुक जा, चल पुलिस स्टेशन चल। सर, ये मेरी दिन की पहली ट्रिप है और आप पहली हफ्ता वसूल करने आ गए। तो ये सब खाकी ड्रेस का कमाल है। क्यों रे? जी सर। लाइसेंस है तेरे पास? है ना सर। मीटर ठीक चलता तेरा? भागता है सर। सीट का कवर तो नया डाला है ना? नया है सर। टैंक में पानी डाला है? पेट्रोल? क्या सर, टैंक फुल है आधा? CNG है सर। हाँ तो फिर चल फुल स्पीड पुलिस स्टेशन। सर सर, अगली बार इतने पैसेंजर्स नहीं बिठाऊंगा। पुलिस। सर माफ कर दो। आगे देख। हेलो। तुझे लगता था ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? पहले दिन ही सब मुझसे डर गए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भैया। सर 100 रुपए लेके उतर जाओ ना। क्या बोला? ठीक है 50 और ले लो। विश्व दे रहा कान में डंडा डाल दूंगा सामने। सर, बोले। क्या बात है भैया, किस पे रोप झाड़ रहे हो? ऑटो ड्राइवर पे। क्या रे, ऑटो क्यों रोक दिया? स्टेशन आ गया। मुझे रेलवे स्टेशन नहीं जाना। आपको तो पुलिस स्टेशन जाना था ना। इतनी जल्दी आ गया? मुझे लगा था पुलिस स्टेशन बहुत दूर होगा। चले ले। सर, पुलिस वाले होकर आप पैसे क्यों दे रहे हो? आज पहला दिन है ना। सर आप क्या हुआ, आपने ये बात साबित कर दी है कि सारे पुलिस वाले रिश्वतखोर नहीं होते। अब मैं जाऊं? जाऊंगा तो मैं सर, और सबको बताऊंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पता नहीं मेरे अच्छे दिन आएंगे या बुरे दिन। चलो देखते हैं। भगवान रक्षा करना। मार दे, गोली मार दे, और गोली मारने के बाद उसे मस्त पका कर पुलिस स्टेशन में भेज देना। वो क्या ना, मुझे कच्चा चिकन हजम नहीं होता है। कौन हो तुम? सर मैं शिव प्रसाद, मुरली प्रसाद, बद्री प्रसाद और शिवा। सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहन कर क्यों आए हो? सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, न्यू अपॉइंटमेंट। जाके रजिस्टर में साइन करो और हर महीने सैलरी ले लेना। थैंक यू सर। जाओ यहाँ पर साइन कीजिए सर। हे, साइन मतलब सिर्फ नाम लिखना है, अपना सारा बायोडाटा नहीं। मेरा नाम बड़ा है सर। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी काबिलियत इस बात से पता चलेगी कि डिपार्टमेंट में तुम क्या कर पाते हो और क्या नहीं। मैं साबित कर दूंगा सर कि जिस तरह भगवान के सर पर मुकुट होता है, पुलिस वालों के सर पर टोपी। ए छोटू, एक कड़क चाय ला रहे। थैंक यू सर। चीनी थोड़ी कम डाल। किधर गया वो साला? दादा इसको लगा था पुलिस स्टेशन जाके बच जाएगा, मैंने पुलिस स्टेशन के सामने ही जला डाला। अबे सुना ना, मीको ने उसको पुलिस स्टेशन के सामने ही जला डाला। हेलो दादा, ये साला बहुत जोर से चिल्ला रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बाद में कॉल करूंगा। ए, बाहर कोई जोर जोर से चीख रहा है, मैटर क्या है? बेचारा अपनी पत्नी से परेशान था, इसलिए पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। अगर कंप्लेन में कुछ और लिखा
तो तुम लोगों को भी जला डालूंगा। अरे बाप रे, उस बेचारे को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया, वो लोग थे कौन? बग्गा के आदमी है सर, वो जो भी बोलता है और करता है यहाँ का नियम बन जाता है, ना कोई उस पर उंगली उठाता है और ना ही उसके खिलाफ कोई मुंह खोलता है। अच्छा, वैसे जो मरा वो कोई बड़ा लीडर था क्या? सर आप बहुत सवाल करते हैं, वो कोई बड़ा लीडर वीडर नहीं था, वो काशी का आदमी था। अब ये काशी कौन है? हमारी सुख शांति पर एक और ग्रहण शेर पे सवा शेर, एक स्मगलिंग और ड्रग्स का कारोबार करता है तो दूसरा किडनैपिंग और फिरौती का धंधा चलाता है। अगर कोई भी उनके धंधे में टांग अड़ाता है तो वो उसे बेरहमी से मार देते हैं। पहले वो दोनों एक ही गैंग में थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन्होंने अपनी अपनी गैंग बना ली। उनकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे या उनकी जान चली जाए, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तो तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए ना? मेरा मतलब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए। आपको याद है सुबह में एक बुजुर्ग कांस्टेबल ने आपसे साइन करवाए थे? याद है। अब क्या कहूँ सर, सालों से वो आदमी मुस्कुराए नहीं। ऐसा क्यों सर? एक बार वो काशी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। आगे आया तो इसे काट डालूंगा। ए, मेरी बेटी को छोड़ दो। ए, आगे नहीं आना, छोड़ दो। सर उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का गला काट दिया। एक पुलिस वाला होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर पुलिस सिर्फ नाम के लिए है सर, सारा लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथों में। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो सालों की नानी दादी सब याद दिला दे उनको। आएगा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। आएगा, लेकिन डर के मारे कोई इस पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग लेता ही नहीं। वैसे आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ रहना, अपनी मौत को दावत देना है। गोली से मैं बाद में मरूंगा, टेंशन से पहले मर जाऊंगा मैं। ये क्या? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? शिवा रामा कृष्णा सब इंस्पेक्टर। ए पुलिस, ये लकड़ी कौन सी है? टीक वुड है। तेरे पास कोई कील बची है? हाँ बची है, आपको चाहिए? कहाँ ठोकनी है? सीधा मेरे दिल में ठोक दे ताकि मैं अभी मर जाऊँ। इतने सेंटी क्यों हो रहे हो भैया, बोर्ड छोटा है क्या? नहीं, बोर्ड का साइज ठीक है, वो बैग में आ भी जाएगा। जल्दी पैक कर ले, हमें यहाँ से अभी निकलना है। क्या बात है भैया? कार्तिक, इस शहर में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही है, दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं। भैया गुंडागर्दी कहाँ नहीं होती, पुलिस स्टेशन इसीलिए तो बनाए जाते हैं। हाँ, पर पुलिस स्टेशन के सामने ही एक आदमी को जिंदा जला दिया। आप उस वक्त अकेले थे क्या? नहीं, वहाँ मेरे सीनियर और कांस्टेबल्स वगैरह सब थे। अगर वो लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों? मैथ्स पल्ले नहीं पड़ता तो कोई स्कूल बदलता है क्या? जिस स्कूल में जाओगे मैथ्स तो होगा ही। हाँ, बदलना आपको पड़ेगा। आपने अभी अभी नया ज्वाइन किया है, आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। आप उन्हें पकड़िए जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं या थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करते हैं। मुझे बस यही करना है। और क्या भैया, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग बनो। वो लड़की तो हमारे एरिया में नहीं रहती, फिर ये केस यहाँ क्यों ठोक दिया? सर जिस स्कूल में लड़की पढ़ती थी वो हमारे एरिया में आता है, इसलिए वो केस हमें सौंप दिया है। समझ गया सर, सब जानते कि काशी ने लड़की को किडनैप किया है, अगर हमने इस मामले में अपनी उंगली डाली तो वो काट डालेगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप केस हमारे पुलिस स्टेशन पर थोप दिया। सर हमें भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ पता है, लेकिन उसने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप किया है, ऊपर से हमारे ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। क्या करूं? ये तारा ओ तारे आओ शिवा, काशी ने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप कर लिया है, हम सब ने ये फैसला लिया है कि ये केस तुम संभालोगे। क्या कहा सर, मैं? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है, बल्कि हम में से तुम ही हो जो पुलिस ड्यूटी अच्छे से निभा पाओगे। क्या कहा था इसने बजरंगी? जिस तरह भगवान मुकुट पहनते हैं पुलिस टोपी लगाती है। कल पोस्टिंग हुई, आज केस मिला, कल प्रमोशन, क्या लकी हो तुम। मुझे जाना है सर। हेलो, सुन, तू कह रहा था एंजॉय करना, पता है मुझे पहला काम क्या दिया? एक स्कूल की बच्ची को ढूंढ कर लाना है। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ऐसे ही काम दिए जाएंगे, बच्चों को छोड़ के आना, स्कूल से पिकअप करना, घर ले जाना। बच्ची को स्कूल से नहीं लाना है, किडनैपर के पास से लाना है। जानता है उसे किसने किडनैप किया? काशी, वही जो लोगों का गला काट देता है। केस ले लीजिए। केस ले लूं? उनसे कहिए आप अकेले ही जाएंगे। हैं? क्या अकेले? वन मैन शो? हाँ,
ऑफिसर, तेरे पास जो पेपर है चुपचाप साइन कर दे, ताकि कस्टम वालों ने जो मेरा स्मगल किया हो माल पकड़ा है उसे मैं छुड़ा सकूं। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। ए, कौन है तू? जेम्स बॉन्ड। ए, जा देखे आवाज कैसी है। कोई पुलिस वाला है, जाओ ढूंढो उसे। मिला गया वो। अरे कल्पेश, मिला गया। छुप छुप के क्या वार कर रहा है? दम है तो मेरे सामने आ, सामने आ। कौन है रे तू? हाँ, नाम क्या है? कोई पुलिस वाला अपने आदमियों की धुलाई करके लड़की को साथ लेकर चला गया। आप सुन रहे? पुलिस वाला काशी से पंगा लेने की हिम्मत किसने की? कोई नया ऑफिसर है, बहुत जिगर वाला है भाई। मानना पड़ेगा सर, आपके अंदर आ गए। क्या बात है, इतने कम वक्त में आपने कैसे किया? देखो, सर की शर्ट पर एक शल तक नहीं पड़ा। अरे उन्हें फोन करो, कस्टम ऑफिसर को फोन करके बताओ कि उनकी बेटी सेफ है। देखते क्या हो, सल्यूट करो सर को। किधर है? कहाँ है? कौन है? किधर है? जय हिंद सर। शिवा, तुम हो क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? तुमने उस लड़की को बचाया, मैंने तुम जैसा बहादुर आज तक नहीं देखा। मुझे पता चल गया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारी रगों में पुलिस का खून दौड़ रहा है। तुम्हारे दादा पुलिस में थे, तुम्हारे पिता पुलिस में थे, तुम्हारा पूरा परिवार पुलिस में नौकरी कर चुका है, इसलिए तुम दुश्मन के इलाके में शेर की तरह दहाड़ मार के आ गए। शाबाश, गले लग जाओ। हम सबको इस बहादुर ऑफिसर से कुछ सीखना चाहिए।
मैं कब से इसकी तारीफ कर रहा हूँ? ये मैंने नहीं किया सर, ये किसी और ने किया है, ऐसे एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आ रहे है ना। यही बात हमें इससे सीखनी चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत तुम पे फिट बैठती है। ये तलवार तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पकड़ो इसे। ये भी पकड़ लो। जानते हो ये दोनों तलवारें मुझे कहाँ से मिली? रद्दी की दुकान से मिली। बीच में तलवार नहीं अड़ाते। अगर मैंने अपनी, अपने परिवार की और इस तलवार की बात करनी शुरू कर दी तो रात हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। तुम्हें देख कर कंट्रोल नहीं होता है यार। अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। हे गाड़ी लेकर आओ रे इधर। कौन है ये लोग? सर साउंड पोल्यूशन केस है। लेकिन साउंड कहाँ है? ए, तुम लोग जानते हो आज हमारे ऑफिसर ने पुलिस का झुकावा सर ऊंचा कर दिया है। बजा दो, जोर जोर से बजा दो। ए, सुना नहीं कि आप किसका वेट कर रहे हो? सर कंट्रोल। ये तलवार बहुत लंबी है सर। ए, किधर है यार? मैं 15 मिनट पहले मार्केट आ गया हूँ। इधर ही हूँ, तू किधर है? अभी मैं एक म्यूजिक शॉप के सामने खड़ा हूँ, जल्दी आ जा यार। कौन सी म्यूजिक शॉप? अरे यार, एक ही तो टूटी फूटी सी म्यूजिक शॉप है इस मार्केट में, वहीं खड़ा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वहाँ खड़ा है, बस 2 मिनट में आया। जल्दी आ यार, इतनी बात तो मैं किसी लड़की से भी नहीं करता। क्या कर रहे हो? तुमसे क्या मतलब है? तुम जाके अपना काम करो ना। ये मेरी है। सॉरी यार, मैं तो बस ये कर रहा था। मैं शहर में नया आया हूँ, गलती हो गई यार। तो क्या मतलब? बिना सोचे समझे किसी की भी चीज को छूओगे? अक्ल नहीं है? देखो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस तार ही टूटा है, ठीक हो जाएगा। मुझसे बदतमीजी की बात की ना तो फिर मैं। तो क्या कर लोगे? हाँ बोलो ना, क्या कर लोगे? सचिन समझाना यार इसको। दोस्त सब संभालूंगा। मेरे दोस्त को अकेला मत समझना सुंदरी, क्योंकि अकेला तो मैं हूँ लाइफ में। अगर तुम भी अपने अकेलेपन से परेशान हो तो तुम्हें दुकेला मैं बनाऊंगा। भूकंप आया क्या? कुछ नहीं हुआ यार, इसकी इस वीणा का तार क्या टूट गया ये मुझ पर चिल्लाने? तार टूट गया? सुनो, मेरे स्कूल वाला दोस्त है, MTNL में काम करता है, तार जोड़ के चला जाएगा। यहाँ के लोग बहुत ही डेंजर है भाई, मामला सुलटा ले। 10 रुपए दे दे, मांडली कर ले। 10 बहुत कम है यार। ये लो, तुम 40 रुपए रख लो, नया तार लगाना। समझो ये दिवाली का ऑफर है, रिपेयर शॉप पीछे ही है, पैदल चली जाना, ऑटो का भाड़ा भी बच जाएगा। फिर भी कोई पंगा हो तो मेरा फोन नंबर ले लो, करीम भाई से बात करवा ले। नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने अपनी पहली कमाई से ये फोन लिया था, पता है? तुम्हारा काम आसान कर दिया। कैसे? इसे ठीक कराने के लिए चाइना नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पीछे एक रिपेयर शॉप है, पैसे ये तुम्हें दे देगा। तेरा लोचा मुझे टोचा दे गया। ये लोग कौन है, क्या हुआ? पिक्चर खत्म होने के बाद आई है, गिटार का तार टूटने पर इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। ये चुड़ैल आपकी कौन? मेरी पोती है। ओह, मैं गिटार हूँ क्या जो मुझे बजा रही है? क्योंकि वो गिटार नहीं, वीणा है, वीणा। चल 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 सचिन, चल यहाँ से, इन बेकार लोगों के मुंह नहीं लगे। एक शब्द और कहा तो वीणा से तुम दोनों को मारूंगी। वीणा से मारने की जरूरत नहीं है, वीणा उठा के गाना शुरू कर दो, सब अपने आप मर जाएंगे। दुष्ट कहीं का, मेरे संगीत का अपमान कर रहा है। अपमान क्या? चल। अरे दुष्ट पापी, वीणा को अपने पैर से मारा, मेरी बद्दुआ है, तू नर्क में जाएगा। पहले औरतें पर्दा करती थी, बेचारी दुनिया के अत्याचार सहन कर लेती थी, लेकिन अब सब पे भारी पड़ती है। मुझ पे भारी पड़ रही थी, मैंने भी उसका घमंड तोड़ा, वीणा की दूसरी तार भी तोड़ के आ गया। दूसरा तार भी तोड़ा ला। उसको फिर से मिलने दे, मर्डर कर दूंगी। मर्डर? अगर दोबारा दिख गई ना इस शहर में तो मर्डर हो जाएगा भैया। लेकिन उससे पहले मुझे एक चांस देना, ताकि मैं उसे इस भुट्टे से मार सकूं। सारा काम हो गया ना? हो गया दादा। ओए, इधर आ। इस मछली का नाम क्या है? अपोलो फिश। चुब्बे, पांडा फ्रॉग है। अच्छा, खाने में कैसी होती है? खाने में नमकीन होती है, अगर एक बार इसे चख लेंगे तो सारी मछलियाँ भूल जाएंगे। तो आज रात को चखाओगी ना? पांडा फ्रॉग। ए, गैंग छोड़ के गया था तो बोला था कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, क्या उखाड़ लिया? अभी तक घास ही काट रहा है।
एक एसआई ने इसके अड्डे पर जाकर इसको औकात दिखा दी। अच्छा हुआ हमारे गैंग से निकल गया, आपके साथ रहता तो नाक कटा देता सर। मछली तब तक ही जिंदा रहती है जब तक वो पानी में रहती है, पानी से बाहर निकलते ही वो तड़प तड़प कर मर जाती है। तू वही पानी से निकली हुई मछली है, इस समंदर का सिर्फ एक ही राजा है, बग्गा। देखा इसे, इसकी बातों से लग रहा है कि ये हमसे चलता है। मिल गई कलेजी को ठंडक। टेंशन मत ले यार, ऐसा ने अजगर के मुंह में हाथ डाला है, वो अपनी चाल चल चुका है, अब हम चलेंगे, तू थोड़ा धीरज रख। हट। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, शादी के बारे में कुछ फैसला किया कि नहीं? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया? मैं लड़की वालों को अच्छे से जानता हूँ, काफी अच्छे परिवार के हैं बेटा, अपने भाई से बोलो एक बार जाके लड़की देखाए। ठीक है अंकल, मैं बात करता हूँ। भैया मैंने सुन लिया, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, तुम मेरी फिक्र छोड़ अपनी शादी कर ले, मैं शादी नहीं करूंगा। भैया अंकल कह रहे थे अच्छा रिश्ता है, वैसे भी नौकरी लग गई है, अब शादी करनी चाहिए, जिंदगी में सेट हो जाएंगे। भैया आपको खाना बनाना तो आता नहीं है, और जो बनाते हो उसे खाने से अच्छा मैं भूखा रह जाऊं, शादी कर लो। मैं रोज 4 से 5 वैरायटी बनाता हूं, फिर भी रोता है। 4 से 5 वैरायटी? अचार गांव का है, मौसी ने भर के दिया है, दही सलीम की दुकान का। ये चावल है या पानी? इसे खाते नहीं पीते हैं आप। इसमें क्या है? नहीं बताऊंगा। भैया दिल पे हाथ रख के कहिए, जो बनाया है वो खाने लायक है? अरे इसे खाना तो दूर, गांव के कुत्ते अगर इसे सूंघ भी ले तो डर के मारे गांव छोड़कर भाग जाएंगे। कुत्ते सूंघेंगे भी नहीं, पर ये तो खा रहा है। तुझे कुत्ता नहीं बोला, तू चल। भैया टॉपिक मत बदलो, बोस अंकल ने जो रिश्ता बताया उसका क्या करें? देख कार्तिक, मुझे किसी के घर जाके लड़की देखने में बहुत शर्म आती है, आज बाबा होते और वो लड़की पसंद करते तो मैं शादी कर लेता। एक काम करना, तू देख ले, तुझे अच्छी लगी तो मैं शादी कर लूंगा। ये क्या बात हुई, प्लीज यार। दीदी, मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि लड़की की नौकरी मस्त है। नौकरी तो मस्त है ही, लेकिन दिखने में और भी मस्त है। शर्मा बाद में लेना, अभी जीजू को इम्प्रेस तो करो यार। तू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। जल्दी आना। भारती, भारती ये 10 रुपए रख ले। दादी ने तो 100 का नोट दिया और कहा है कुछ ना बताऊं। ये 1000 का नोट रख लो और सब कुछ उगलो। आज एक लड़का दादी की बड़ी पोती को देखने के लिए आ रहा है। लड़का इंस्पेक्टर है और सुना है कि रुको, अब मैं रायता फैलाता हूँ बिटिया। हाँ पापा। तुम्हारी सहेली के लिए रिश्ता आया है, जाओ उसकी मदद करो। आपने मना किया था। अब मना को हाँ में बदल रहा हूँ, जाओ भाव मत खाओ। सुनो वो लड़का इंस्पेक्टर है, तुम उसे खुद चाय कॉफी पिलाना अपने हाथों से। ओके पापा। अरे सुनो, वो दूल्हा नहीं दूल्हे का भाई है, अगर उसने तुम्हें पास कर दिया तो दूल्हा तुमसे शादी कर ही लेगा। लगता है आपस में कुछ ज्यादा ही भाईचारा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल आप जाओ, मैं आती हूँ। बेटी या उसके माँ बाप मान गए क्या? हेलो, मैं इनका बाजू वाला पड़ोसी हूँ, पड़ोसी यानी बाजू वाला। बोले तो घर वाला।
क्या बात है, लड़का पुलिस में सब इंस्पेक्टर है? कैच करता हूँ, बहुत भूख लगी। क्या कर रहे हैं इज्जत का? अरे मैं कब से बैठा हूँ, जल्दी पूछो कौन हूँ। आप कौन है? बाजू वाला पड़ोसी हूँ, बहुत फेमस हूँ। अरे तुम क्यों लाई, मेरी बेटी कहाँ है? अंदर है। मेरी भी एक सुंदर बेटी है, बिल्कुल शादी की उम्र की ही है, तुम्हारे लिए फिट है। अरे ये भी कोई चाय है? मुझे तो अच्छी लगी। खराब को अच्छा कह दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर पंक्चर हो जाएगा। सुनो, यहाँ कोई मर्द नहीं रहता, यानी किसी का वॉच नहीं है। लड़की कब कहाँ किसके साथ क्यों गई किसी को नहीं पता। जमाना खराब है। लड़की भी खराब है। चुप कर। लड़की बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम उसकी दादी में है। अब कितना चेपोगे, ग्लास नीचे रख दो। सोचो अगर जड़ ही सड़ी हुई होगी तो फल खराब ही होंगे ना। अच्छा हा? ओ बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या बक रहे हैं ये अंकल? हर घर में लोचा होता है, इस घर का लोचा ये अंकल है, तू टेंशन मत ले। मैं तो, पर मेरी बच्ची डिफरेंट है, बहुत नेक बच्ची है। सर झुकाने को कहो तो उठाती ही नहीं है, उसे बैठने को बोलो तो बेचारी सो जाएगी, एकदम गाय है गाय। अब तुम ही तय करो, घोड़ी चढ़ना है कि सूली चढ़ना है, ऊपर वाला बचा है। बेटा निकलने बहुत जूते पड़ेंगे। काम बन गया, चलो वरना हमें वीना से मारेंगे। साहब आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? ये समझो कि ये खुशी की चोट है, नथिंग, मामला सेट। जान बची तो लाख उपाय, ऊपर वाले ने हमें पिटने के लिए वहाँ भेजा था। अच्छा हुआ दोनों भाग गए, मुझे उसकी भाभी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसी बात कर रही हो, जब कोई लड़का देखने आता है तो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? एक पुरानी वीणा के लिए एक नए पति को ठुकराता है कोई? वो लड़की आपके लिए परफेक्ट है भैया। परफेक्ट? तूने तो उसे काली कहा था। भैया काली भी देवी का रूप होती है ना। आप बहुत डरपोक हैं भैया, और उस दिन जिस तरह वो मुझसे लड़ी उसके लिए हिम्मत चाहिए। मेरी मानिए, हाँ कर दीजिए, आपकी जोड़ी सुपर्ब लगेगी। हाँ कहिए भैया। अरे सुनो, लड़के वाले को हमारी नंदू बहुत पसंद आई। अब देखना तीली जल उठेगी। ओ ये बात। और क्या, वो तो शादी की तारीख भी तय कर रहे हैं। ये ना बताने के उसने पैसे नहीं दिए? दिए है ना, बताने के। हा? हा? मेरी उस चोट का क्या होगा जो मैंने अपनी बेटी के लिए खाई थी। पैसे निकालो। सुनकर चल जा। दादी मैं नहाने जा रही हूँ, टिफिन पैक कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है बेटा। वो नहाने गई है, बाद में फोन करना। अरे हा? आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं दादी को। कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से सब कुछ पता कर लिया है, डेट टाइम। अगर आपको कुछ पता करना है तो पूछ लीजिए। अब और क्या पता करना है हमें, आप दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, यानी सब तय समझो ना। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके सुनिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? तुमने झगड़ा भुला दिया और शादी के लिए राजी हो गए इसलिए। अरे उसमें क्या है, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपसे। पर किस लिए? थैंक्स कहने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। क्या हुआ, कब से दादी दादी क्यों चिल्ला रही थी? अरे बाप रे, पीछे आइए और पीछे थोड़ा और, अब आगे जाइए। ये क्या हो गया? आखिर बात क्या है? गई। सब कुछ देख लिया उसने। टॉवल लपेटो। क्यों? लपेटो ना बाबा, अब खोलो। अब मैं क्या करूं? इस महीने की 25 तारीख को 12:18 पर लगन का शुभ मुहूर्त है। जीजू दीदी।
दादी मैं आपका बिस्तर भी यहीं लगा देती हूँ। यहाँ नहीं छत पर लगा, ठंडी हवा में नींद अच्छी आएगी। ठीक है। Oh, I'm sorry, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इतनी बड़ी टेरेस है, सब एडजस्ट हो सकते हैं, हम साथ में सो सकते हैं। मतलब मैं एक तरफ और तुम एक तरफ सो जाना। पक्का ना? हाँ यार पक्का, इसमें सोचने की क्या बात है। आओ आओ यहाँ बिस्तर लगाओ ना, रख दो। यहाँ बिछाओ, हाँ बिछा दो। आधा है चंद्रमा, रात आधी और आधा। क्या हुआ? जाना, मैं भी सोने आ रहा हूँ। बहुत मारूंगा। ऊपर कुछ तो है, मैं देखने आ रहा हूँ। अबे जाना। आई हेट यू। उस तरफ लगा दो ना, आराम से लगाओ, जल्दी क्या है। थोड़ा और इस तरफ ले सकती हो। अरे कोई बात नहीं, पूरे गांव को थोड़ा सुलाना है। वैसे तुम्हें खर्राटों से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे प्रॉब्लम? मुझे भैया के खर्राटों की इतनी आदत हो गई है कि कभी वो खर्राटे नहीं लेते तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। तुम्हारे ऊपर कोई अपना पैर रख दे तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? यस, यस, यस। अब मैं क्या कहूँ, खर्राटों का शोर और मेरे पैर पर किसी का पैर ना हो तो गहरी नींद नहीं आती। ये सीढ़ियां भी ना जान लेकर छोड़ेंगी। अरे बेटा पल्लवी थोड़ा पानी पिला दे। कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? पानी के लिए ऊपर टेरेस तक क्यों आई दादी? मुझे आवाज दे देती मैं आ जाता। कितना अच्छा लड़का है, पर मुझे तो आना ही था। आपका पानी बिस्तर के पास रख दिया है और बिस्तर भी इनके पास ही लगाया है। इसका मतलब बिस्तर दादी के लिए था। मैं इसके पास सोऊंगी तो इसे परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं दादी, मैंने सब बता दिया। तो फिर ठीक है, बस 5 मिनट रुको, खर्राटे शुरू हो जाएंगे। शर्माना तो मुझे चाहिए, लेकिन शर्मा तो आप रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या है कि पहली शादी इसलिए। थैंक गॉड, मुझे तो शर्म नहीं आती। मेरे मन में जो आता है मैं तो बिंदास करती हूँ। तुमने मुझे बिना देखे हाँ कह दी, अगर मैं खूबसूरत ना होती तो? कार्तिक ने मुझे सब बता दिया था। ये बताया कि मार्केट में कितनी बदतमीजी की थी मेरे साथ? उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, तुम्हारे बारे में सुनते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वैसे सबके सामने शादी के लिए हाँ कहकर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। तुम्हारे आगे तो मेरी हिम्मत कुछ भी नहीं है। शहर के सारे गुंडे तुम्हारा नाम सुनकर थर थर कांपते हैं। ये बातें हम बाद में करें। अरे रुको ना, बत्ती क्यों बुझा रहे हो? जब से तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग हुई है इस शहर में गुंडागर्दी और क्राइम लगभग ना के बराबर हो गया, ये पता था? नहीं अभी अभी पता चला। अब मुझे कुछ छानबीन करनी है, आ जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तहकीकात शुरू करो। हेलो, एसआई शिव प्रसाद स्पीकिंग। हाँ साहब, मैं वही हूँ जिसके आदमियों को आपने मारा था। हिम्मत है तो बग्गा के साथ में भी वही करो। शहर से उसके ट्रक निकल रहे हैं जिसमें स्मगलिंग का माल है, तो अपनी मुंह का दूध पिया है तो रोक उन ट्रक को। बेहतर लग सर। स्मगलिंग की टिप मिली ना सर, सुबह से पुलिस स्टेशन में यही कॉल आ रहे हैं। बग्गा का मैटर है ना सर, फोन की घंटी सुनते ही सबका घंटा बज रहा है, लेकिन आपने बिना डरे फोन को एकदम से उठा लिया। ये केस के लिए आप बिल्कुल सही आदमी हैं। एकदम सही, ये कोई किडनैपिंग या लापता कुत्ता ढूंढने का मैटर नहीं है, बग्गा का मैटर है। वो आदमी जिसने 100 रुपए के लिए गले काट दिए थे। खैर छोड़ो, कौन जा रहा है भाई? सब इंस्पेक्टर शिव प्रसाद राठौड़, बेस्ट ऑफ लक भाई। इस बार भी अकेले जाके झंडे और गुंडे दोनों गाड़ी। ये बीच सड़क में गाड़ी किसने खड़ी की है? जाके देख।
वो कोई नया सब इंस्पेक्टर है। जानता है उस माल की कीमत क्या है? जानता है? मुझे मेरा माल वापस चाहिए, वरना हम सबको भी पेपर बेचना पड़ेगा। पेपर। उसके परिवार में कौन कौन है? उसका एक छोटा भाई है, वो साले को अगर उठा लिया तो ये लाइन पर आ जाए। उठा लो साले को। कारखाने पे ले आ। दादी दा ओह माय गॉड, सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखते हो। बाथरूम में दादी हैं। क्यों आए हो यहाँ? भाभी ने एक डिब्बा देने को कहा था। तो पूरे घर में क्यों घूम रहे थे? कुछ खास देखना चाहते थे? वो मैं फिर से वही देखना चाहता था। अच्छा, तो फिर से देखोगे? देखो मेरे पास मत आना, मैं किस कर लूंगा। करके दिखाओ। कर भी लिया।
कोई इस तरह किस करता है क्या? क्या करूं, जैसे आता था वैसे कर लिया। तुम्हें नहीं आता है तो मैं सिखा दूं। हाथ रखो ना भाई। हम उस एसआई के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसका भाई भी घर में ही है। जैसे वो बिल से बाहर आए उठा ले साले को। दो लोगों के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, पुलिस से पक्का पिटेगा। क्यों भैया, ये सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हो आप? तेरी भाभी को पल्लवी की शादी की बहुत चिंता हो रही, दोनों कुंडलियां एक दूसरे से मेल खा रही हैं। मैं बस देख रहा हूँ दोनों ग्रहों का लोचा तो नहीं है ना। जब भाभी ने हाँ कह दी है तो आप डिटेक्टिव क्यों बन रहे हो? हाँ कह दो ना। अरे ये मंगल के चक्कर में कुंडलियों में अमंगल हो रहा है। हाँ? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी? हाँ कह दो, हमारी जोड़ी राम और सीता जैसी होगी। सीता और राम की तरह? वो दोनों 14 साल वनवास गए थे। इसको बताने का क्या फायदा है, हम दोनों ने फैसला कर लिया है, बस यही काफी है। लड़के की कुंडली भी बहुत बढ़िया है और 10 दिन बाद वो इंडिया आ रहा है। जो इंडिया में वो इंडिया कैसे आएगा? जो तू सोच रहा है ये वैसा नहीं कह रही है, लड़का अमेरिका से आ रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओहो जरा संभल के भैया। राम से डरने की क्या जरूरत, वो अयोध्या वाला राम नहीं है, अमेरिका वाला राम है, पता नहीं कैसा होगा। वो मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत ही अच्छा लड़का है, प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। खैर ये सब मुझ पर छोड़ो ना। अरे जरा सुनो, सामान की लिस्ट देना। पहले सामान ला दो फिर आवारागर्दी करना, समझ गए ना? दिन भर फालतू बैठा रहता है, कम से कम कुछ तो करेगा। शादी करनी है तो अमेरिका वाला लड़का चाहिए, काम करना है तो कार्तिक। ए कार्तिक, तुझे मार्केट छोड़ देता हूँ, आजा। कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था तेरा भी घर बस जाए। एक बात बता, तू और पल्लवी भाग के शादी करोगे ना? वैसे तो तेरी शादी पर संकट के काले बादल छाए हुए हैं, तेरी भाभी को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, आजा। भाई हम छोटे भाई का पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाला भी साथ है। ए, जब तक वो साथ में उसे हाथ मत लगा, साला आतंकी है, अगर वो गाड़ी से उतरे तो उठा ले साले को। ठीक है चलता हूँ भैया। बाय। ए, संभल कर संभल कर। सर सर प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। अरे बॉस 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 रुको ना, रुको एक मिनट बॉस, बेचारे जानवर को चोट लगी है, इसकी हालत खराब है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो। ठीक है बैठ। थैंक यू बॉस। भाई उठाया क्या? उठा लिया भाई, हमारे साथ जीप में ही बैठा हुआ है। भाई अब इसका क्या करना है? साले को कारखाने ले आ। ठीक है भाई। बॉस यहाँ आगे से राइट ले। हाँ इस जंक्शन से सीधा जाना। हाँ अब उस सर्कल पे राइट ले लेना। अरे बॉस बॉस ये राइट था। अरे बॉस ये राइट लेना। ए, सीधा कारखाने लेकर चल। परफ्यूम कौन सा है? पॉइजन। तू कौन सा लगाता है बे? हाँ साबुन लगाता हूँ। साबुन लगाता है? देखा तूने साबुन और परफ्यूम में क्या फर्क है, इनमें से किसी को नहीं पता। मैंने लाखों खर्च करके ऐसे जाहिल लोगों को पाल रखा है और साले तेरे भाई ने एक झटके में मेरा करोड़ों का माल पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है इसकी सजा उसे नहीं मिलेगी? एसआई को फोन लगा बे। हेलो एसआई शिव प्रसाद स्पीकिंग। एसआई तेरा एक भाई है जो इस वक्त लापता हो चुका है, वो मेरा मेहमान है, ले बात कर। भैया मैं तेरे भाई से मुझे कोई लेना देना नहीं, इसके बदले मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, बस मेरा माल लौटा दे। देखा अपने भाई के किडनैप होने की खबर सुनने के बाद भी सर कितने आराम से बैठे हैं। सर के लिए अपनी ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। सर वो बदमाश है, आपके भाई की जान जा सकती है। एसपी ऑफिस को फोन करके स्पेशल फोर्स भेजने के लिए कहूँ? नो 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 गो। करवा दिया ना अपना पोपट, ये तो खुद ही एक फोर्स है, इन्हें भला फोर्स की क्या जरूरत। ये दरअसल तूफान के पहले की शांति है। नहीं नहीं तूफान नहीं, अब ये तूफान सुनामी में बदलने वाला है, देख लेना।
वो मानने को तैयार नहीं है, इसकी बलि चढ़ानी होगी। देखो नहीं 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 दादा दादा ऐसा मत कीजिए, मैं अपने भैया से बात कर लेता हूँ, वो मेरी बात पक्का मान जाएंगे। प्लीज दादा प्लीज एक बार मेरी बात करवा दीजिए, वो मेरी बात मानेंगे पक्का। दादा दादा प्लीज। यही डर मैं तेरे भाई में देखना चाहता। इसके भाई से इसकी बात कराऊं क्या? इसकी बात करा। उसको बोल जल्दी इधर आने को, भाई की हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। इंस्पेक्टर शिव प्रसाद स्पीकिंग। हेलो भैया मेरी बात सुनो, मैं चारों तरफ गुंडों से घिरा हुआ हूँ, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, इन्हें जो चाहिए दे दीजिए और मुझे इनसे छुड़ा लीजिए भैया। क्या कहा? ठीक है भैया, ओके समझ गया ठीक है। क्या बोला वो? भैया ने कहा कि वो माल लेकर नहीं आएंगे, हमारी रगों में एक ही खून बहता है। उन्होंने कहा बिल्कुल मर्डर, कहा कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने देना। भौंकने से मतलब? भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है ना, इसीलिए। कुत्ता, उसे पता नहीं जंगली कुत्ता काटता है तो बहुत दर्द होता है। दादा ए! दादा साले की उंगलियां काट के इसके भाई को भेज दो। नहीं 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 दादा, दोनों की रगों में एक ही खून है ना, उंगली यहाँ कटेगी दर्द वहाँ होगा। अरे दादा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देख लिया ना, भाई की पूरी तरह हट गई है, अपना अंगूठा दे और घर जा। दादा दादा प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे दादा एक बार मना किया तो समझ में नहीं आता क्या? याद रहे तुम्हारा एक भी वार खाली नहीं जाना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं? क्या बग्गा, सुना है कि एसआई ने तेरा माल उठाया और तूने उसके भाई को? हाँ, अब बड़ा भाई खुद सामान मेरे पास लाएगा। अरे क्या आइडिया है बग्गा, सामान आने से पहले एक छोटी सी फिल्म देख लेना। ए भाई को वीडियो दिखा। उसने मेरे आदमियों को मारा और माल तेरा ले गया। अड्डे पे चल। नीचे उधर। मैं नहीं उतरूंगा। कहाँ जाएगा यार, तुम मेरी धुलाई करोगे। सर मैं एचएसबीसी बैंक से बोल रही हूँ, हमारे बैंक में अकाउंट खोलेंगे? फिलहाल मैं एक अकाउंट क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में फोन कीजिए। ओके सर।
अंधा है क्या? तक मैं असली को छोड़ के नकली के पीछे भागता रहा, अब नकली ही मुझे असली तक पहुंचाएगा। उसने रूल्स बदल दिए, मैं गेम ही बदल दिया। जल्दी करो, लड़का आने ही वाला है। ए भारती, ए भारती, मेरी बात सुनो। चोरों की तरह मेरे घर में क्यों झांकते हो, मुझे बताओ क्या जानना है? आपके घर में मैं क्यों झांकूं? कोई भी आए जाए उससे मुझे क्या, मैं तो बस खड़ा होकर हवा खा रहा हूँ। आज जमाई राजा आ रहे हैं। जमाई राजा आ रहे हैं तो मैं क्या नाचूं? बेचारे पुलिस वाले को फांस लिया। अरे बड़े वाले नहीं, छोटे वाले, फॉरेन से आ रहे हैं। ओ, फॉरेन यानी नेपाल? नहीं भाई, अमेरिका। अमेरिका? अच्छा, वहाँ पेट्रोल पंप पे काम करता है ना? नहीं, पेट्रोल पंप का मालिक है। इसे मैं फंसाऊंगा। हे गणेश। हे नंदिनी, हाउ आर यू? बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ऑफ कोर्स, आई एम इन द यूएसए फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट इज हैपनिंग? मेकिंग डॉलर्स, व्हाट एल्स? गणेश, ही इज माय हस्बैंड। हेलो, नमस्ते। ही इज अ पुलिस इंस्पेक्टर। ओह, पांचो मामा, आई लाइक इट। कैसे हो बेटा? गणेश, इनको पहचाना? ग्रैनी, आपको बचपन में देखा था। अपने बचपन में या इनके? आई एम कार्तिक। आई एम गणेश। पता है, गणेश हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करता था, अभी अमेरिका में है, इसके पास ग्रीन कार्ड भी है। जानते हो इसकी इनकम क्या है? महीने की 10 लाख। हे नंदू, नंदू, दैट्स लॉन्ग बैग। तो अभी 15 लाख है, यू गॉट इट? ये जी, सुना तुमने? हाँ, तुम्हारी बहन तो लकी है। ऑफ कोर्स। हे, तैयार हो गई? गणेश, पल्लवी। आई नो, शी इज फीलिंग शाय, आई लाइक इट। कैसी लगी तुम्हें? She's gorgeous. लाखों में एक है। अच्छा, तो फिर हमें शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। हेलो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? शादी के लिए आपको मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी, उसके बाद वो टिकट काउंटर से टिकट बुक कराएंगे। इस मामले में जल्दबाजी नो। शादी करना कोई बच्चों का गेम नहीं है। बॉस को मस्का मार के मैंने जो छुट्टी ली है उसको मैं वेस्ट नहीं करूंगा, फायदे की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। मैं पल्लवी को एकदम करीब से जानना चाहता हूं। तो फिर क्या किया जाए गणेश? यू नो, पल्लवी के साथ मुझे डेटिंग, आउटिंग, मीटिंग, लेटिंग सब करना होगा, तभी तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना। आई मीन विद योर परमिशन। हाँ नंदू, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नो प्रॉब्लम, तुम जहाँ चाहो पल्लवी को अपने साथ ले जा सकते हो। थैंक्स। आप क्या कहते हैं जी? हाँ, गुड, वेरी गुड। वो बीच पर एक नया ढाबा खुला है ना, वहीं चले जाओ। वहाँ नहीं भैया, तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे भैया जो कहते हैं करो। जहाँ जाना है बता दो, ये तुम्हें लेकर जाएगा। ओके। वैसे भी इसके पास कोई काम नहीं, फालतू बैठा रहता है। फालतू? यू मीन फोकट? ये फीलिंग होती कैसी है बॉस? आई मीन आई नेवर एक्सपीरियंस इट, यू नो। कुछ दिन जब एक साथ घूमेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। रियली? हाँ। अरे बेटा, दो नारियल पानी देना।
दादा भट्टू एसआई सही मौके पर सामने आया, साले को टपका दे। बजरंगी। हाँ सर। गाड़ी निकालो। जरा साइड हटिए। आइए सर। गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट कर दी है सर। तो फिर चलो ना। दादा इसने हमारा करोड़ों का नुकसान किया है, आपने बेकार में उसे यहाँ से जाने दिया, साले को यही कार दे दो। हमारा माल कहीं नहीं जाने वाला भीखो, वैसे अब बात माल की नहीं है, इसकी मौत की है। इस साले की वजह से एक दो टके के कांस्टेबल ने भरे बाजार में बग्गा को हाथ लगाया। पब्लिक उसे शेर समझती है, शेर की खाल में छिपे इस गीदड़ को पब्लिक के सामने ही बेनकाब करना होगा। मरेगा तो जरूर, पब्लिक भी तो देखे कि हमने इस शेर को किस तरह मारा। इसकी मौत के बाद कोई भी पुलिस वाला इस शहर में आने से डरेगा, और उसके बाद बग्गा के आतंक का खौफ पहले से डबल हो जाएगा। इंडिया, यू नो आई लव इंडियन कल्चर वेरी मच, खासकर लड़कियां लुकिंग ट्रेडिशनल, कुकिंग प्रोफेशनल, पति की सेवा दिल से करती हैं। ए जी ये खा लो, ए जी ये पी लो, ए जी ये पहन लो, बस जी जी करके पति की सब्जी बना डालती हैं। अ जर्नी टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू द स्टमक, मतलब अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसके दिल पे मत खटखटाओ, पेट पे खटखटाओ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ब्रो? मुझे क्या पता, तुम ही कुछ कहो। अरे कब से तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ यार, तुम्हें क्या लगता है मैं भंकस कर रहा हूँ? बुरा लगा क्या? लगेगा नहीं क्या? क्यों पल्लवी? सारी मर्द एक जैसे। ए, पल्लवी, मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते? नेक है या नहीं है तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं और पल्लवी देख लेंगे कि क्या करना है, तुम ड्राइव करो। तुम क्या समझना चाहते हो? तुम लोग किस करना चाहते हो लेकिन शादी में इंटरेस्ट नहीं? किस? यू मीन चुम्मा? किस करनी है तो पल्लवी याद आती है, और शादी करनी है तो अमेरिकन से। क्या कहा? चुम्मा? कहाँ कहा इसने चुम्मा? इस गधे को किसने बुलाया, मैंने या तुम्हारी बहन ने? ए, दीदी ने कुछ नहीं किया, उनकी क्या गलती है? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ इसने तुम्हें कहाँ कहाँ चुमा? वैसे ये गधा भी इतना बुरा नहीं है, शादी कर लो। मतलब हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था? मतलब बहुत कुछ हो चुका है, मैं तो सोच रहा था तुम दोनों के बीच जुम्मा जुम्मा चार दिन से चुम्मा हो रहा है, मुझे धोखा दिया। हिंदुस्तान तो अमेरिका से भी ज्यादा फास्ट है, मैं तो गलत समझ रहा था। ठीक है, ये बात मैं नंदू को बता के ही रहूंगा, देखना बस करो यार। पल्लवी, ये क्या कर दिया तुमने, बेचारे को मार दिया? प्लीज टेंशन मत दो बॉस, ये क्या हो गया, अगर यूएस होता ना तो अब तक पुलिस आ जाती। इंडिया कोई कम नहीं है, वहाँ देखो। इतनी जल्दी कैसे आ गए? इन्हें पता चल गया कि तुम यूएस से आए हो, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ, कौन है, कहाँ है, ये किसने किया? सर ये इंसान ड्राइव कर रहा था। उन्हें किया? ए, इसमें 203 की दफा लगा। सर सर सर, सर ये एक्सीडेंट था सर, ये खुद गाड़ी के नीचे आ गया, आप इनसे पूछ लो। अरे हमें क्या पता, हमारा तो वर्क इन प्रोग्रेस था ना। मतलब? प्रोग्रेस? अरे वो तो मैं करने वाला था। मैं बताता हूँ, देख क्या रहे हो, इसे अंदर लेके जाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। तुम्हारी है ना, मैंने पहले ही बोला था ना सर। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। गलती
अब समझा क्या तू? ये बेचारा मेंटल हो गया है, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है। पूरी फोर्स बुलाता हूँ, मिलिट्री बुलाता हूँ। हेलो कांस्टेबल बजरंगी स्पीकिंग। हाँ बजरंगी, क्या प्रॉब्लम है? सर हाईवे पर किसी ने हमारे साइंटिस्ट को ठोकर मार दी। साइंटिस्ट? इतनी छोटी उम्र में? इसलिए तो गोल्ड मेडल दिया है। गोल्ड मतलब असली वाला नहीं रे, पानी चढ़ा हुआ, अंदर से बिल्कुल खोखला नल्ला माल। सर गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। He is dead, sir. I mean mentally dead, sir. उसे किसने ठोका? कोई NRI है सर। एक मिनट रुकिए, इसका पासपोर्ट भी है। हाँ NRI है। उसका पासपोर्ट और वीजा जब्त करो और उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। Yes, sir. हाँ। कल सुबह बिना नाश्ता किए स्टेशन आ जाना। तू तो गया, हाँ लेकिन नाश्ता करके आना। घबराओ मत यार, मेरे भैया बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। मैं केस कैंसिल करवा के तुम्हारा पासपोर्ट वापस लाऊंगा। थैंक्स ब्रो, मैं कल पहली फ्लाइट से ही चला जाऊंगा। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हें जाना ही है हा? तो शादी के दिन तक रुक जाओ और उसके बाद जाना। क्या ए पास आओ ना। अरे कोई देख लेगा। वाला वाला। मैंने देख लिया। व्हाट अ लाइफ। क्या मेरा नाम राजा राव है, मैं यहाँ रहता हूँ, भला आदमी हूँ। तुम्हारे पीछे वो लड़का और लड़की कुछ कर रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं अंकल, अमेरिका में तो लड़का लड़की अमेरिका में चलता है। कोई ऐरी गैरी लड़की होती तो मैं कुछ नहीं बोलता। तुम्हारी होने वाली पत्नी है, शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, पराए मर्द के साथ अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले जो करना है करने तो सब चलता है अंकल। अमेरिका में मेरी बहुत सी नाजायज औलादें घूम रही है। रियली? ओहो बिटिया जी, जरा पापा क्यों बुलाया? ये मेरी बेटी। हेलो, इसकी शादी तय हो चुकी। रियली कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाथ पीछे। अगर ये किसी और के साथ चक्कर चला रही हो तो? क्या इसकी शादी किसी और के साथ चक्कर किसी और के साथ? तुम बाप हो या दलाल? पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रहे हो। तुम्हें अकल है या नहीं? तुम्हारे बाप के भेजे में भूसा भरा है? शर्म नहीं आती? खूबसूरत लड़की के बाप होकर ऐसी बात करते हो? समझाओ इसको। अरे बाप रे, ज्यादा बोल दिया। बात इस गधे के खोपड़ी में नहीं घुसी, पर इसके अंदर एक आग भरी हुई है। उस आग में मैं घी डालूंगा। सिर्फ बोलने से अच्छा होगा इसे लाइव पिक्चर ही दिखा देता हूँ। सॉरी पापा। ये मुझे सॉरी क्यों बोल रही है? कहीं कुछ झोल तो नहीं किया? पल्लू उसकी बातों को सीरियसली मत ले, वो जिंदगी भर अमेरिका में जो रहा है थोड़ा फास्ट तो होगा ही। वैसे तुझे वो पसंद तो है ना? हाँ वो तो है। मुझे बुलाया नंदू। आओ गणेश, तुम्हें पल्लवी के लिए कोई अच्छी सी साड़ी चुननी है। ये कैसी है? ये साड़ी कैसी है बॉस? छी, इससे क्यों पूछ रहे हो? इसकी पसंद बहुत ही घटिया है। हाँ दीदी। हा? तुम बताओ गणेश कैसी है ये? एकदम बकवास है। एकदम बकवास है। ये वाली बॉस सूट नहीं करती। हाँ सूट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी है गणेश? बिल्कुल मेरी शक्ल जैसी। बिल्कुल मेरी शक्ल जैसी। तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है। पल्लू जाकर ये साड़ी जल्दी से पहन कर आ जा। अरे मर गए। अरे मैंने तो सही कहा था बॉस, तुम्हारा टेस्ट बेकार है तो मैं क्या करूं? मेरा टेस्ट बेकार है? याद रख तेरा पासपोर्ट लाइसेंस पुलिस केस। बॉस मैं समझ गया बॉस। प्लीज बॉस मेरा पासपोर्ट दे दो। पल्लवी इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही है बॉस। सुमन को बुलाने आया हूँ। ऊपर के कमरे में है। लेकिन वो मेरा बकरा। ये पलौती कहाँ से आ गया? गया क्या? इधर आओ। लेकिन क्यों आऊँ? आओ तो सही कुछ दिखाता हूँ। चलो। अरे कहाँ चलो? जाओ देखो। मैं यही रिएक्शन देखना चाहता था। इस डिजास्ट्रस। प्लीज थैंक यू मत कहना। ये सब होने के बावजूद भी एक बाप चुप बैठा है सर। मैं एक बाप जरूर हूँ लेकिन उससे पहले इंसान हूँ। योर ग्रेट सर। इसीलिए मेरी बेटी से शादी। आपकी एक और बेटी है? एक और मतलब मेरी एक ही तो बेटी है, वही जिससे उस दिन तुम्हें मिलवाया था। ये वाली? छी छी
ये देखो। अरे ये ठरकी मेरी बेटी के ऊपर भी डोरे डाल रहा है। भागो रे भागो। ये क्या पापा, आप ऊंची दीवार से कूद गए, कुछ हो जाता तो। अच्छा, जब एक जवान बेटी बाप का बीपी बढ़ाती है तो ये दीवार भी छोटी पड़ती है। तू दीवार दीवार खेलना बंद कर, जाके काम कर, खाना बना। यूज़लेस फेलो। मम्मी आज से तुम इंस्पेक्टर नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के हेड बन गए हो। ऑल द बेस्ट, इधर आओ, इसी तरह क्रिमिनल्स को पकड़ते रहो। तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम बग्गा है, सर को सलाम बोलने आया हूँ। टोप के पास रख दे। माफ करना, मैं आपसे पूछे बिना ही बैठ गया। आपके पति को मेरी वजह से मेडल मिला है, 50 करोड़ का माल जब्त किया। कोई बात नहीं, आपके पति को प्रमोशन मिला, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, पुलिस वाला जितना मशहूर होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है, इसलिए मैं साथ में फल लाया ताकि आपके पति तंदुरुस्त रहें। फ्रूट्स। चल उठ, जल्दी उठ। तमीज से बात कर, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तो और किस तरह से बात करूं? एक गुंडे के साथ इज्जत से बात नहीं की जाती, ये कमीना इसी लायक है। अब सुन, ये फ्रूट्स उठा और चलता बन। तुझे मेरे हस्बैंड की ताकत का अंदाजा नहीं, अभी अगर वो आ गए ना तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसीलिए तेरे और तेरे पिल्लों की भलाई इसी में है कि इसी वक्त यहाँ से निकल ले। चलो उठ। साली को इतना घमंड। घमंड तो होगा ही, अपने पति की बहादुरी पर नाज तो करना ही चाहिए। अपने पति का ख्याल रखना। और तू इस बात का ख्याल रखना कि दोबारा तेरे गंदे कदम इस घर में ना पड़े। दादा, उसने आपकी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस साले को आज ही प्रमोशन मिला है, इसलिए फ्रूट्स देने गया था, लेकिन कोई नहीं जानता मेरा असली इरादा क्या था। लाइफ का डिमोशन देना, आपसे थोड़ी देर में बूम। रोक, गाड़ी रोक। Hey, हम वो फ्रूट की टोकरी उसके घर में छोड़ के आए थे ना, तो वो गाड़ी में कैसे आई? दादा बात नहीं बनी इसलिए टोकरी साथ ले आया। उल्लू के बच्चे, हम सब मरते मरते बच गए। काशी भाई, बस जरा सा मिस हो गया, वरना वो बग्गा के चितड़े हवा में उड़ जाते। पुलिस वाले के घर पे बम रखने गया था, साले की जीप में ही भड़म हो गया। इतना उछल क्यों रहा बे? हाँ, अगर वो हारेगा तो हमें जीतना होगा। अगर हम हार गए और हमारा दुश्मन भी हार गया, कुछ करना पड़ेगा। भाई, वो पुलिस वाला कल बग्गा का माल कोर्ट में पेश करेगा।
तूने बग्गा का माल क्यों जलाया? लॉरी में कोई माल नहीं है, मैंने उसे ट्रेन में शिफ्ट कर दिया। कैसी लगी हा? सुन, आज न्यूज चैनल्स को ब्रेकिंग न्यूज हम देंगे, ड्यूटी करते वक्त पुलिस ऑफिसर वतन के लिए शहीद हो गया। उस कमीने की मौत इतनी खौफनाक होनी चाहिए कि कोई भी पुलिस वाला बग्गा का नाम लेने से पहले ही थर थर कांपे। ठीक है, क्या रे तू अभी तक नहीं समझा? अरे हम लोग के साथ गेम खेल रहा था क्या? अबे साले, दोनों साथ में ऊपर जाओगे। पकड़ साले को। साले को उठा के पटरी पर फेंक दे। Don't worry, he's out of danger. Hey!
बंटरों ने बताया कि तेरे भाई का काफी खून बह गया। बता उसका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरे पास ब्लड बैंक है। साला किस्मत वाला है, किसी भी तरह बच गया बेचारा। मैंने सुना है कि वो पुलिस फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। भारी पड़ गया ना, मुझसे पंगा लेगा। जो खेल तूने शुरू किया है ना, उसको खत्म भी मैं ही करूंगा और जीतूंगा भी मैं। जा, जाके अपने भैया का ख्याल रख। उसे इतनी दूर ले जा कि वो दोबारा मुझे दिखे भी नहीं। निकल जा। क्यों बे, मुझे धमकी दे रहा है, मुझसे भीख मांग रहा है? उसे मारते वक्त तुम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिसे तुम मार रहे हो वो बस एक पुलिस वाला नहीं, वो मेरे भैया है। माना हम में से किसी एक का खून बहा है, लेकिन चोट दोनों को लगी है। जख्म एक के ही शरीर पर हुआ है, लेकिन बदले की आग दोनों के अंदर है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वो आज बच गया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा है, वरना मैं तुम सालों को एक साथ जमीन में हमेशा के लिए काट दूंगा। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुझे तो तब तक जिंदा रहना होगा जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते। तब तक जितना जीना है जी ले। तुम में से जिसने भी खून दिया है उसे बचा कर रखो, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। सर, वो आप जैसे ईमानदार ऑफिसर को टिकने नहीं देंगे। ए, आखिर क्या कर लेंगे वो लोग? शिकारी जब शिकार पर जाता है तो सिर्फ जानवर ही घायल नहीं होता, शिकारी को भी चोट लगती है। देखते जा सर, जल्दी ड्यूटी पर वापस आएंगे, फिर एक भी जानवर शहर में खुला नहीं घूम पाएगा। कार्तिक, तुम इनके साथ रहकर इनकी हिम्मत बढ़ाते हो, आज ऐसा नहीं करोगे? इन्हें तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं ठीक से चल नहीं पाऊंगा। ये सुनके मेरे दिल को तसल्ली हुई कि अब पुलिस की नौकरी नहीं करनी होगी। मुझे नकली पुलिस बोल बोल के मारा उन्होंने। वैसे मैं नकली पुलिस ही हूं ना? अच्छा है, कल से मुझे अपनी जान के लिए कोई खतरा नहीं होगा। आज तो जान बच गई, कल फिर से बचे ना बचे, बाद हुआ पुलिस का नाटक। आपने सही कहा भैया, आपकी पत्नी को लगता है आप एक जाबांज पुलिस ऑफिसर हैं। लगता है तो लगने दो, लेकिन आप भूल जाइए, डिपार्टमेंट को फक्र है कि कोई असली मर्द पुलिस फोर्स में आया है। क्या फर्क पड़ता है, आप भूल जाइए। उन्होंने आपको घसीट घसीट के पीटा और वो साले इस वक्त जश्न मना रहे हैं। मनाने दो, लेकिन आप भूल जाइए। मैंने सोचा अगर आपको पानी में धक्का दे दूंगा तो आप हाथ पैर चलाकर किसी तरह से तैरना सीख ही जाएंगे, लेकिन आज भी आप में वही डर है। जानते हैं मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे उन्हें नहीं हराना, उनकी सोच को हराना है, और ऐसा करने के लिए उन्हें मैं नहीं आप मारेंगे। मैं मारूंगा तो सिर्फ दर्द होगा, लेकिन अगर आप मारेंगे तो वो गुंडे एक सबक सीखेंगे। जानते हैं भैया, एक इंसान कब मरता है? तब नहीं जब उसकी जान निकलती है, पर जब हिम्मत मरती है। आपने कहा आपका नया जन्म हुआ है, अब इस जन्म में कैसे जीना है यह आपके हाथों में है। आज तक वो गुंडे आप पर रौब जमाते थे, उन्हें लगता था आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिल की तरह भागना अब इस सवाल का जवाब नहीं है, जवाब है ईंट से ईंट बजाना। अगर आपको लगता है आपकी वर्दी में कोई दम है तो आपका हर वार दुश्मन पर बिजली की तरह कड़केगा। उन्हें बताइए कि पुलिस की ताकत क्या है।
रुक रुक, पीछे ले। ए बजरंगी, तेरा साहब कैसा है, दुनिया में या दुनिया छोड़कर निकल लिया? साला इस बार बच गया, अगली बार जान से ही मार डालेंगे। सर को गुस्सा भी आता है। साले दो कौड़ी के गुंडे, तुम लोगों को क्या लगता है पुलिस एक मजाक है? असली खेल तो अब शुरू होगा, वो आ रहा है। तुम सबके कपड़े निकाल के पूरे शहर में नंगा घसीटते हो ले जाएगा, उसके बाद तुम लोग को पुलिस की पावर पता चलेगी। आए बड़े गुंडे कहीं के, देखता क्या है बे? क्या करेगा? साले को गाड़ी में डाल। उस एसआई की धुलाई के बाद हमें देखते ही लोगों की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन इसको देखा, साला एक नंबर का ढीठ है। क्यों है कि नहीं बे? इसको बोल दे, ये नहीं बचने वाला है, वो आ रहा है। तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम गए, कोई नहीं बचेगा। हम लोगों को सिर्फ दो चीजें दे सकते हैं, एक है खौफ, दूसरी है मौत। इस साले की आंखों में मुझे पहली चीज दिख नहीं रही है, इसे दूसरी दे दो। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। पिटने आ गया। मरने से पहले वो कांस्टेबल कह रहा था मेरे सर आएंगे, मेरे सर आएंगे, लेकिन मुझे लगा साला फेंक रहा है। हाँ। ए, सर तो सच में आ गए रे। ए, जानता है ना तू कहाँ खड़ा है? तेरे जैसे लोग यहाँ आते हैं अपनी मर्जी से, जाते मेरी मर्जी से। Thank you.
ए, क्या हुआ? क्या है? लड़ना है तुम्हें? जानता है मेरा भाई कौन है? ऐसा है यहाँ का, जेल में डाल देगा तुझे। अब भी लड़ना है? हाथ कड़ी लगा और जीप में बैठा। पर सर, ये तो आपका भाई है। कानून की नजरों में सब बराबर है। जाओ। अरे उसने मेरा पॉकेट मारा है। तू भी देखता है। चल पॉकेट। अरे कुछ नहीं है। चल गाड़ी में चल। छोड़ ले। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। ए, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हथकड़ी पहनाकर जीप में डाल। चल। ये तो एक गुंडा है ना, मुझे इसके साथ हथकड़ी क्यों लगाई है? ट्रैफिक सिग्नल पे मैं इतनी देर रुक नहीं सकता। चल रुक 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 जा, भाग मत। अरे रुक। सर वो भाग रहे हैं सर। अरे रोक। वो भाग जाएगा सर। जल्दी कर। रोक। जब कोई क्रिमिनल पुलिस कस्टडी से भाग जाए तो पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? एनकाउंटर सर। मार दीजिए सर, मार दीजिए उसे। काशी का एनकाउंटर हो गया, मैं खुद देख के आया। वहां बड़े सिग्नल के पास ये क्या है? बग्गा की क्राइम हिस्ट्री, मर्डर, स्मगलिंग, चीटिंग, लैंड माफिया, इसमें इस तरह के सैकड़ों केसेस बंद हैं, लेकिन इनका कोई सबूत या गवाह नहीं है। एफआईआर उसकी पर्सनल डायरी है जिसमें वो जो चाहे लिख देता है। ये सब देख के मेरा वर्दी पर से विश्वास उठ गया। मैं भी अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। मैं अब तक चुप इसलिए था क्योंकि मुझमें उसका सामना करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन तुम में वो कॉन्फिडेंस है। आज तुम्हें देख के मुझमें वो कॉन्फिडेंस आ गया। डिपार्टमेंट में तुम जैसा एक भी लीडर हो तो पूरा डिपार्टमेंट किसी का भी सामना कर सकता है। काशी को मारने से कहानी खत्म नहीं हुई है, बग्गा को मारने से ये कहानी खत्म होगी। उसके खिलाफ हमारे पास एक सबूत है। साले उस एसआई में बहुत चर्बी आ गई है, अगर उसमें हिम्मत है तो आपको छू के दिखाए। चल मेरे साथ, उठ। हाँ हेलो दादा, वो ऐसा ही भीखू भाई को अपने साथ वैन में कहीं ले जा रहा है। ए, तुम सब वहीं पर थे ना, तुम्हारे होते हुए वो उसे कैसे ले गया? कुछ भी करके उसे वापस लेकर आओ। वो जहाँ जहाँ जाता है उसका पीछा करो। ओके दादा। दादा वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं गए, वहाँ से लेफ्ट ले लिया। दादा वो पूरे शहर का चक्कर काट रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जहाँ भी जाए उसका पीछा करो। मुझे अगर हाथ भी लगाया तो दादा नहीं छोड़ेंगे, मैं उनका राइट हैंड हूँ। दादा को अगर ये पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। क्यों भैया, लगता है आज बारिश होने वाली है। नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता, बाहर बहुत धूप है। आजकल तेरी भाभी बड़ी अजीब हरकतें कर रही है। सीधे बताओ ना, क्या करती है? रोज ब्यूटी पार्लर जाती। पॉकेट मनी कम कर दो, सीधे लाइन पे आ जाएगी।
तू सही कह रहा है। कार्तिक चाय पीना यार। ओए तेरे एरिया में चाय कहाँ अच्छी मिलती है? तुझसे पूछ रहा है तेरे एरिया में कहीं अच्छी चाय मिलती है या नहीं? हाँ मिलती है ना। चलो चल आजा। तीन कटिंग। चलिए ले तू भी पी, पकड़। रहने दो भैया, आप पब्लिक में चाय पिलाएंगे तो ये कहेगा मैं एसआई को जानता हूँ और आपके नाम का गलत फायदा उठाएगा। नहीं यार, इसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि ऐसा करेगा। क्यों रे, तो ऐसा करेगा? चाय ठंडी हो जाएगी, पी ले। पी पी। दादा वो तो एसआई के साथ चाय पी रहा है। क्या बात कर रहा है, वो उसके साथ चाय कैसे पी सकता है? मैं आपसे सच बोल रहा हूँ दादा। चाय बहुत अच्छी थी। थैंक यू। अब वो पुलिस वाला उसे हाथ मिला के चला गया। लगता है भीकू ने उसे सब कुछ बता दिया। दादा वो हमारी तरफ ही आ रहा है, लगता है उसने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी। वो तो ऐसे सीना तान के आ रहा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। इस तरह क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं बताया, अबे उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। बोल रहा है साला, मुझे धोखा देगा मुझे। बताइए दादा क्या करना है? मार डालो उसे। सर गाड़ी रोकिए, मुझे मार देंगे सर। गाड़ी का दरवाजा खोलिए। जिंदगी भर मैंने कुत्ते की तरह वफादारी की, पर आज उसने मुझे ही टपकाने की कोशिश की। उसके सारे काले धंधे मुझे पता है। आप जो जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। सर मुझे लगता है ये बग्गा आपसे डर के शहर से भाग गया। हम नहीं चाहते कि वो डर कर भाग जाए, उसे पकड़ना है, उसे और उसकी कहानी को इसी समंदर में खत्म करना है। नंदू तुम्हें याद है ना घर में शादी हो रही है, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही है, तुम जल्दी घर आ जाओ। आता हूं। सर आप जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। शादी के खत्म होने से पहले हम कुछ भी करके उसे यहाँ ले आएंगे। आप इतने दिन से बाहर थे क्या? हाँ, मैं जरा बाहर। एक्सक्यूज मी, आपने कार्तिक को देखा? नहीं, नहीं, नहीं देखा। आपको कार्तिक दिखा? नहीं देखा। मर गया, कहाँ गया होगा? कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू। कार्तिक दिखा क्या? नहीं तो कार्तिक के नाम की माला क्यों जप रहे हो? अरे क्या बताऊं, दो घंटे बाद शादी है लेकिन अब तक उसने क्लैरिटी नहीं दी मुझे। तुम्हारे कान के नीचे घंटा बजाओ क्या? वो क्या नारियल पानी है जिसे कांच के ग्लास में डाल के क्लैरिटी मिलेगी? इतनी बार तुम्हारे दिमाग में बात घुसाने के बाद भी चोंच मारते फिरते हो। झापड़ से पापड़ बना दूंगा। आज मेरे दिमाग का फ्यूज ऐसा उड़ा है कि कहीं मेरे हाथों आपके तोते ना उड़ जाए। शाबाश शाबाश, यही आग लेके भाग। रात भर जाग, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूं, ढूंढते हैं उसे। अकल से पैदल मैंने क्या कहा था तुझे, तू उस तरफ जा, तो फिर इस तरफ क्यों आ रहा है? ओके सर। मेरे अंदर आग है लेकिन एक बीड़ी भी नहीं जला सकता। फोकस फोकस, चल जा। तेरी तो मैं शरीर से बड़ा है लेकिन दिमाग से छोटा। क्या हुआ बॉस, बहुत रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स? इतनी टेंशन में मैं तुम्हें रिलैक्स लग रहा हूँ? टेंशन किस बात की? क्या बताओ बॉस, पहले मुझे हल्दी लगाई, चंदन लगाया और फिर रगड़ रगड़ के छुड़ा दिया। नहा भी नहीं पाया था कि एक बूढ़ी मेरे पीछे तेल लगे भागने लग गई। शादी तुम्हारी बकरा मैं बन रहा हूँ। वैसे आज तो मेरा पासपोर्ट देने वाले थे। चीज की जल्दबाजी रहती है, ये ले। लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? मेरे हनीमून के सारे अरेंजमेंट्स तुम्हें करने होंगे। ओके सर, मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरा पासपोर्ट तो दे दो। ये ले। चला गया, इतनी जल्दी में क्यों रहता है?
तुम दोनों जाके पल्लवी को लेकर आओ, मैं तब तक। गणेश कहीं चला गया है, कहाँ जाएगा दादी? यहीं कहीं पर होगा, वो मिल नहीं रहा है। मैं भी आई। क्या हुआ दादी, कुछ खो गया क्या? नहीं कुछ नहीं खोया, तुम जाओ अपना काम करो। क्या बात है, बताओ मैं मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती। ओके। बड़ा आया। ये वाले मुरझा गए हैं। बेटा नंदिनी लेकर आओ, ये अच्छे नहीं लगे। सुनो, हा? वो कहीं नहीं मिला। पर गया कहाँ? पता नहीं। सुनो, तुम यहाँ मजे से मिठाई खा रहे हो। अरे तो खुशी के मौके पर तीखा खाओ। पता है गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या बात कर रही हो, यही कहीं होगा। मुझे भी यही लगा था, सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। प्लीज पुलिस स्टेशन फोन करके उसे ढूंढने के लिए कहिए ना। तुम्हें क्या लगता है मेरा पुलिस डिपार्टमेंट जादूगर है जो गायब लोगों को वापस ले आएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर शादी कैंसिल हो गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। भैया पंडित जी आ गए, मैंने इंग्लिश बोलने वाले पंडित जी बुलाए हैं। दूल्हा अमेरिका का है ना, उसे भी तो मंत्र समझ में आने चाहिए। क्यों भाभी? हेलो, नहीं नहीं मर्सिडीज कार चाहिए उससे। देखो तो कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, इसे पता ही नहीं कि शादी कैंसिल हो गई। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि आदमी गड़बड़। तुमने कहा तुम्हारा बचपन का दोस्त, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तुम तो उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, अमरीका 15 लाख इनकम। भैया अब छोड़ो, रहने दो, इसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ये बताओ तब समझ में नहीं आया जब गणेश के पेरेंट्स ने शादी में आने से मना कर दिया था, लेकिन नहीं तुमने तो डेटिंग के लिए भेज दिया, आउटिंग के लिए भेज दिया। इससे क्या होगा, अब क्या करोगी? वो लड़का तो भाग गया। भाग गया? तुझे नहीं पता, दूल्हा भाग गया। भाग गया? अब मैं फूल वाले से क्या कहूंगा भैया, और इंग्लिश पंडित इंग्लिश में कितनी गालियां सुनाएगा। मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है? पर उस बेचारी मासूम पल्लवी को जब पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी भैया। बताइए भाभी, बताइए आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं क्या करूँ, बताइए। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है, हमें पल्लवी की शादी करनी होगी, इसी मंडप में और इसी मुहूर्त में, पर किसी और लड़के के साथ, समझ गए? हेलो, तुम्हारा भाई कैसा रहेगा? वो बेचारा इस वक्त लड़का कहाँ ढूंढेगा? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, अपने भाई से कहो मेरी बहन से शादी कर ले। मेरा भाई कार्तिक? सही कह रही हूँ जी, आप दोनों भाई हैं, हम दोनों बहनें हैं, सब साथ रहेंगे, एक बार सोच कर तो देखिए। उस तरफ दो दो बहनें, इस तरफ दो दो भाई, व्हाट एन आइडिया है ना। तू कार्तिक से बात करो। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। ठीक है तो मैं करती हूँ, पर तू मुझे सपोर्ट करना। कार्तिक अब आए ना बकरी पहाड़ के नीचे। अपना अपना हिसाब। हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए भाभी, आज नहीं तो कल मैं उस गणेश को जरूर ढूंढ लूंगा। उसे भूल जाओ, तुम हो ना कार्तिक। आप ये क्या कह रही हैं समझ में नहीं आ रहा। तुम हमेशा अपने भाई का कहना मानते हो ना, वो मेरी बात मानते हैं तो तुम मेरी बात मान लो, मेरी बहन पल्लवी से शादी कर लो कार्तिक। प्लीज तुम मना मत करना, हमारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। लेकिन भाभी। मान जा। भैया ठीक है, जैसा आप चाहें। अब ये क्या चक्कर है दीदी, अब तक आप मुझे उस अमेरिकन गणेश के गले बांध रही थी और अब इस यूजलेस से शादी करवा रही हैं। ये तू यूजलेस किसे कह रही है, जरा इसका भोला सा चेहरा तो देखो। अब तक हम इसे बेकार में ही गलत समझते रहे पल्लवी। पता है जब तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ था तो कार्तिक ने मुझसे ज्यादा इनकी सेवा की, ये तुझे बहुत खुश रखेगा। ओके दीदी। बेटा मुझे दूल्हा कहीं नहीं मिला। यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं दादी, दूल्हा यहीं खड़ा है। ये है दूल्हा। दादा अगर आप इतने शांत रहेंगे तो हमारे धंधे का क्या होगा? समुद्र तब शांत होता है जब तूफान आने वाला होता है। अब तूफान आएगा और प्रलय मचा देगा। हमें पता चल गया कि बग्गा कहाँ छुपा है सर, आप कहें तो उसे अरेस्ट कर ले। वहां अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं भी आ रहा हूं। इंस्पेक्टर,
मुझे यहाँ अरेस्ट करने आया है? तेरे सारे आदमी खत्म हो गए हैं, तेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया है, अब सिर्फ तू जिंदा बचा है। तूने कभी सोचा भी था कि तू इस तरह पकड़ा जाएगा? मैं पकड़ा नहीं गया इंस्पेक्टर, तू पकड़ा गया है, क्योंकि ये प्लान तूने नहीं बनाया, मैंने बनाया। नहीं सर, ऐसा मत करना। दादा, उस दिन आपके बारे में मैंने बहुत अनाप शनाप बोला तो इसे लगा कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन असली बात को समझ नहीं पाया। इस तरह के लोग डिपार्टमेंट में तो क्या, दुनिया में भी नहीं होने चाहिए। इसने 20 सड़क पर काशी भाई का एनकाउंटर किया था, अब इसका एनकाउंटर मैं करना चाहता हूँ। चल भाग, चल जल्दी भाग कुत्ते। मेरे अंदर का कायर बहुत पहले मर चुका है शिवा, अब लड़ना जानता है, भागना नहीं। तुझे गोली मारनी है तो यहाँ सीने पे मार, कम से कम मेरे भाई को मुझ पे फख्र तो होगा। ऐसे भाड़े के टट्टू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दम है तो तू आ। ए, तू मुझे गोली मारेगा? मारना। ये जमाना महाभारत का नहीं जहां धर्म युद्ध होता है, ये कलयुग है। इट्स अ मॉडर्न वॉर। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो मारो। तुम सब पल्लवी के पास जाओ। अरे तुम्हारे भैया ये लो, भैया को दे देना, ठीक है? इतनी रात को बिना बताए भैया कहाँ चले गए? भैया, भैया, भाई, भैया कहाँ है? मेरे पास आया था तेरी शादी का न्योता देने के लिए, अपना फोन यहाँ भूल के चला गया। तेरे पास भिजवा दूँ या तो खुद आके ले जाएगा? अगर भैया को कुछ हुआ। उस दिन ट्रेन लेट आई थी, तू करेक्ट टाइम पे पहुंचा था। आज मौत करेक्ट टाइम पे पहुंचेगी, तू कहीं लेट ना हो जाना। भैया कहाँ है? सॉरी यार, तेरे आने से पहले मौत आ गई, तेरे भैया इस दुनिया में नहीं बचे। भैया कहाँ हैं? मैंने बता तो दिया, तुझे भी वहीं जाना है। भैया कहाँ है? ए, अभी तो बताया वो मर गया, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों लगता है कि वो मरा नहीं? क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए भैया को कुछ नहीं होगा। ओहो, दोनों में एक ही खून और एक जैसी हिम्मत है। वैसे तुझे क्या लगता है, जब तक तू नहीं मरेगा तेरा भाई भी नहीं मरेगा? ठीक है, तेरी इच्छा पूरी कर दे,
ए! इस साले ने समुद्र के बादशाह बग्गा पर हाथ डालने की हिम्मत की है, इसे मेरे ही हाथों मरना होगा। It's a modern war. मैंने कहा ना मैं सरेंडर कर दूंगा, मुझे सरेंडर कर दो। शादी के दिन लोग हनीमून की तैयारी करते हैं, तू तो भाग रहा है। लड़की नहीं पटी तो फट गई? नहीं नहीं ये बात नहीं है, दरअसल मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, इसलिए सोच रहा था कि शादी करते तुरंत हनीमून पे निकल जाऊंगा, टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, और वैसे भी अमेरिका जाकर मुझे रिसेप्शन तो करना ही पड़ेगा ना। तुझे चेला बनाया, मुफ्त का ज्ञान दिया और तू भाग रहा है? भाग नहीं रहा हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? पगार मिलते ही दे दूंगा। कुछ भी नहीं है तेरे पास? अच्छा हुआ मेरी बेटी से तेरा ब्याह नहीं हुआ। जी सर। पर मैं राजा राव हूँ, एक भिखारी से भी दक्षिणा उगलवा सकता हूँ, तेरे जैसे फटीचर को कौन अपनी लड़की देगा। नाउ वेट, अब जाते जाते ज्ञान की एक और बात सुनता जा, जब अपनी जेब और दिमाग दोनों खाली हो तो किसी को उल्लू नहीं बनाते।
हाँ।